नमस्कार दोस्तों, मेरा सब है आपका स्वागत। हमने जो पिछले वीडियो में देखा था या पढ़ा था, उस वीडियो में हमने ड्रिलिंग साइकिल को स्टडी करी थी कि ड्रिलिंग हम कैसे करते हैं, ड्रिलिंग का प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टैपिंग कैसे करते हैं। तो ड्राइंग देख लो कि हमने जो रेफर किया है पिछले ड्रॉइंग को रेफर किया है, इसी ड्रॉइंग को रेफर करके हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमने गोल मार के ड्रिलिंग किया था वहीं पे हम गोल मार के टैपिंग भी कर लेंगे। ये देख सकते हो एक प्लेट है, इस प्लेट में 3 mm की लेंथ की 3 mm लेंथ है और जिसकी थिकनेस है 40 mm है और क्यूबिट है 200 mm। और आप होल की पोजीशन देख लो, आपने पिछले वीडियो में अगर मुझे देखा तो वहाँ पे आप देख लेना ज्यादा के, तो आपको ड्रिलिंग साइकिल की प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या करना है मेरे को, M10 × 1.5 की टैपिंग करनी है, जहाँ जैसे 3 जगह ड्रिलिंग करी है मैंने, 1, 2, 3 तीन जगह ड्रिलिंग के बाद उसी ड्रिल में मेरे को क्या करना है, टैपिंग करना है। टैपिंग की डेप्थ कितनी है आप देख सकते हो, यहाँ पे इस प्लेस से लेके यहाँ तक 20 mm है और ड्रिलिंग की डेप्थ कितनी है 25 mm। तीनों होलों की जो ड्रिलिंग की डेप्थ है 25 mm है और इस प्लेस से लेकर के नीचे तक की जो टैपिंग की डेप्थ है वो 20 mm है। तो आइए प्रोग्राम देखते हैं। ये मेरा वर्कपीस है, पहले वर्कपीस चेंज कर लेते हैं। 300 लेंथ इस वर्कपीस की है, 200 इसकी विड्थ होगी और हाइट इसकी कितनी होगी 40 mm, उसको चेंज कर लेते हैं। मैंने नई प्लेट यहाँ पे लगा दी है, मतलब एक तरीके से प्लेट चेंज कर दिया, वर्कपीस चेंज कर दिया है, ठीक है। अब प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम देखने के लिए सबसे पहले मेरे को एडिट मोड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी करेक्शन करना हो या ठीक है, तो हम करेक्शन करने के लिए या प्रोग्राम मॉडिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले एडिट मोड पे जाना पड़ेगा। ओके, अभी देखते हैं। जैसे 5 नंबर प्रोग्राम है, इससे भी हमने जो प्रोग्रामिंग बनाई थी 5 नंबर प्रोग्रामिंग किया था, इसे मैंने मॉडिफाई करके टैपिंग वाला जो साइकिल है उसमें ऐड कर दिया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बता रखा है कि ये इस तरीके से कोर्स डले हुए हैं, क्यों डले हुए होते हैं, और मैंने जो ड्रिलिंग साइकिल जो बताया था उस ड्रिलिंग साइकिल के ऊपर भी सारे के सारे को जितने भी कोर्स हैं सबको डिस्क्राइब कर दिया था। लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं इस पोर्शन को डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से ये सारे कोर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 60, 90, 40, 80, इसका सारे के सारे सेफ्टी कोड है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर जैसे मशीन में किसी और प्रोग्राम में रोटेशन कमांड डला हुआ होगा, जैसे G68 तो G69 उसको बंद कर देगा, G40 जैसे कि लॉजिक डिसकंपनसेशन ऑन होगा तो ऑफ कर देगा, G18 कैन साइकिल ऑन होगा तो ऑफ कर देगा। और जैसे कि ये मेरा वर्क प्रोग्राम है, वर्क कोऑर्डिनेट है G90, G10, L2, P1, x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू, ये कैसे निकाला है आप पिछली वीडियो देखो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने वर्क कोऑर्डिनेट कैसे निकाला। उसके बाद टूल नंबर एक है, टूल नंबर एक। अब जैसे कि मेरे को टैपिंग, आप इसमें देख लो टैपिंग मेरे को M10 की करनी है। M10 की टैपिंग करने के लिए मुझे ड्रिल का जो साइज हो कितना लेना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि M10 की टैपिंग है वो कौन सी टैपिंग, कौन सा हम टैप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेड कटिंग का जो टूल है कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ टैप क्या होते हैं, ठीक है, वो अगर जैसे इसको पता नहीं है, नेक्स्ट वीडियो है मेरे, उस वीडियो में आप देख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो टाइप ऑफ टैप के बारे में होगा। बेसिकली मैं इसमें जो टैप इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, मशीन टैप इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। टैप 2 प्रकार के होते हैं जो हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, अगर हैंड टैप को हरा, हैंड टैप एक तरीके से टैप होता है जो बेसिकली एक तरीके से मतलब मैनुअली काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम जैसे कि ऑटो में या फिर हैवी ड्यूटी के लेकर जो हम टैप इस्तेमाल करते हैं, 2 टाइप के होते हैं, पहला मशीन टैप होता है जिसको हम कट टैप ही बोलते हैं, दूसरा होता है हमारा रोल टैप, ठीक है। लेकिन इस वाले वो क्या होता है आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ना समझ में आ जाएगा दोनों टैप में किस तरह की और इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है और क्या होती है, ठीक है। हम यहाँ पे जो इस्तेमाल करेंगे मशीन टैप इस्तेमाल करेंगे, नहीं कट टैप इस्तेमाल करेंगे। कट टैप बेसिकली मटेरियल को क्या करता है, कटिंग करके थ्रेड की फॉर्मिंग करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही कोई सा भी ड्रिल इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। अगर हमें जैसे कि M10 की टैपिंग करनी है तो उस ड्रिल की साइज क्या होगी, तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है,
ये सारे फॉर्मूला मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन इसमें भी मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे M10 की टैपिंग है, M10 की टैपिंग में मेरे को क्या करना है कि ड्रिल का साइज क्या रखना है। सबसे पहली बात तो इस कुछ नहीं करना, जो इसकी पिच है, पिच क्या करो, इसकी डायर से माइनस करो। जैसे कि M10 है, 10 से डायर 10 -1.5, यानी कि इसका जो ड्रिल की साइज हो जाएगी, तो ड्रिल का साइज कितना होगा, 8.5 का। अगर 10 में से 1.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8.5। यानी कि कट टेप मशीनिंग टेप में हम जो ड्रिल का साइज रखेंगे वो कितना रखेंगे, 8.5। कौन से M10 के टैपिंग में, उसी तरीके से M6 हो गया, M8 हो गया, कोई सा भी आप मशीन टैप ले लो, कट टैप ले लो, अगर उसका प्री ड्रिल यानी कि टैपिंग करने से पहले जो ड्रिल का यानी होल का साइज रखना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर मशीन टैप कर रहे हैं तो जो उसकी पिच होगी उसकी डायल से माइनस कर दो, हमारा ड्रिल का साइज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने जो ड्रिल का जो साइज लिया है वो कितना लिया है, 8.5। 8.5 क्यों, क्योंकि M10 का टैपिंग है और पिच उसकी 1.5 है। अगर 1.25 होता तो 1.25 माइनस करते, ठीक है, और 1.75 होता तो 1.75 हम माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे जो पिच का साइज हमने लिया है 1.5, तो यहाँ पे हम 1.5 को माइनस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो ड्रिल का साइज निकल के आ गया 8.6, तो हमने यहाँ पे टूल नंबर 1 में 8.6 ड्रिल यूज किया है। और ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें जैसे रोल टेप इस्तेमाल करना होता तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है, जैसे कि पिच को 2 से डिवाइड कर दो, जितना वो आएगा उसमें डायमीटर से माइनस कर दो, तो आपका निकल के आ जाएगा ड्रिल का साइज। ओके, आगे देखते हैं। टूल नंबर 1 है, हमने 8.6 8.5 का ड्रिल इस्तेमाल किया है। M08 से हमने कूलेंट को ऑन कर दिया, और G0 G90 G50 और F0.0 और G0.0। इसमें हमने क्या किया है कि G90 हमारा क्या, जैसे एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए होती है, पहले भी बता चुका हूँ। G54 क्या होता है, वर्क एंड P1 क्या होता है हमारा, जिसे ऑन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक तरीके को एड्रेस है। ये एड्रेस क्या करेगा, ये एड्रेस क्या करेगा, G54 को का मतलब, G54 क्या है, P1 का एड्रेस होता है। जो हमने ये वैल्यू माना है, ये एक तरीके से इसका होम हो गया, और ये वर्क ऑफसेट G54 को रीड करेगा, P1 जो है। ओके, यानी कि जो है ये वैल्यू डली हुई है, मशीन की वैल्यू है, ये मशीन क्या है, पार्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। और यहाँ पे जो हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट, मशीन को हमने ये बता रखा है पार्ट का जो ओरिजिन है यहाँ पे है, और वो जो हमने वैल्यू यहाँ पे फीड कर दी। फीड करने के बाद ये क्या कर देगा, ये इसको 0 मान करके, ये इसको 0 मान करके जो भी वैल्यू हम इसमें प्लस माइनस जो भी करेंगे ये उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस होता रहेगा। अभी हमने 0 0 डाला है, यानी कि एग्जैक्ट जो पार्ट की लोकेशन यहाँ पे है मान लो, तो वो यहीं पे 0 मान करके मतलब मशीनिंग होगी। ओके, M03 यानी कि क्लॉक वाइज हमने RPM दिया है मशीनिंग में, स्पिंडल में, और जो इसका RPM हमने कितना दिया है, 2000। S इस्तेमाल करते हैं RPM के लिए, RPM हमने दिया है 2000। आगे बढ़ते हैं। G43 टूल लेंथ कंपनसेशन ऑन करने के लिए होता है, और Z25 यानी कि जो हमने इसका वर्क पीस पे फेस पे हमने टूल की जो मतलब टूल का जो हाइट है 0 माना हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये जो टूल की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको 0 है, अगर उससे ऊपर जाएगा तो प्लस में, उससे नीचे जाएगा तो माइनस में। यानी मान लो मेरा फेस पे 0 है तो टूल रैपिड में कितना, 25 mm ऊपर तक आएगा और क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये क्या है, H1 यानी कि टूल की जो लेंथ हमने किसमें डाली हुई है, 1 नंबर में डाली हुई है। टूल ऑफसेट कैसे लेते हैं ये भी मैंने पहले वीडियो में बता रखी, आप वहां जाकर भी देख सकते हो। 1 नंबर में मैंने ये टूल की जो लेंथ है वो डाला हुआ है, टूल नंबर 1 का H नंबर में हाइट ऑफसेट डाला हुआ है। ठीक, उसके बाद मैंने कैंट साइकिल ऑन कर दिया 381 से। G98 क्या होता है ये भी मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। G98 क्या होता है, अगर जैसे कैंट साइकिल इस्तेमाल किया, जेड की जो वैल्यू है 25 mm, यानी कि टूल 25 mm का काटता हुआ गया, फिर रैप फिर काट आकर के कितने एमएम तक ऊपर रखे गया, 25 mm तक। अगर मैं यहाँ पे 99 इस्तेमाल करता तो कितने एमएम तक आकर ऊपर था, 2 mm तक। ओके, G81 क्या होता है, ड्रिलिंग साइकिल को ऑन कर देता है, जेड माइनस यानी 25 mm तक फेसिंग फेस, यानी 0 जो इसका फेस यहाँ पे है, मतलब 0 हमने यहाँ माना है फेस को, तो यहाँ से 25 mm तक काटता हुआ जाएगा। आर क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट वैल्यू होती है। रिस्ट्रिक्ट वैल्यू का मतलब ये होता है हम टूल को मशीन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से हम इसको सेट करते हैं आर की वैल्यू। मान लो जैसे कि मेरा फेस है, इस फेस पे अगर हम क्या करेंगे, अगर जैसे डायरेक्ट 0, अगर यहाँ पे आर की वैल्यू 0 कर देता हूँ,
तो फेस को जाए डायरेक्ट आकर टकरा जाएगा, टूल टूट भी सकता है। तो मैंने क्या किया है कि इस फेस से 2 mm ऊपर तक टूल को क्या है सेफली मतलब रैपिड मोशन में मतलब रैपिड मूवमेंट करवाई है। उसके बाद 2 mm बाद ये क्या करेगा, 2 mm ऊपर तक रुकेगा, उसके बाद क्या करेगा 2 mm हो गया और 25 से टोटल कितने हो गए 27 mm, यानी कि 2 mm ऊपर से ही 2 mm ऊपर से 27 mm तक काटता हुआ जाएगा, मतलब स्पीड में जो हमने 500 फीट डाली उसी स्पीड में कटिंग करता हुआ जाएगा। 2 mm ऊपर यानी फेस 2 mm ऊपर आकर टूल रुक जाएगा, वहां से स्पीड स्टार्ट होगा, टोटल 27 mm जाएगा। लेकिन हमारी मशीनिंग कितनी होगी, फेस से नीचे जाएंगे तो 25 mm ही मशीनिंग होगी। ठीक है, ये हम इसलिए डालते हैं टूल को एक तरीके से सेफ रखने के लिए, टूल की मूवमेंट कराने के लिए, ताकि वर्क पीस तो ऊपर रहे, टकराए ना, टूटे ना। उसके बाद एक्स प्रोग्राम के हिसाब से देख सकते हो, प्रोग्राम में ये 30 है और वाई में कितना है 50 है, तो वही यहाँ पे डला हुआ है। ये यहाँ पे 30 हो गया, ये वाई मतलब कि वाई प्लस में यानी कि कंपोनेंट की यहाँ पे मशीनिंग होनी है, तो वाई प्लस में आकर के मशीनिंग करेगा। ठीक है, तो ये जैसे भी मैंने अगर मतलब सारी चीजें बता रखा है कि प्लस किधर की साइड में होता है और माइनस किधर की साइड में होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, आप मेरे पहले पहले की वीडियो जाकर के देखो, सारा कुछ समझ में आपको आएगा। ठीक है, अब जैसे कि कैंट साइकिल में एक फायदा ये होता है कि आपने एक बार कैंट साइकिल ऑन कर दिया तो जब तक आप ऑफ नहीं करोगे और जितने कोऑर्डिनेट रिपीट करोगे तो वहां वहां पर जाकर के सेम चीज आपको रिपीट होती रहेगी। जैसे कि G98 आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया और मतलब G98 और G81 Z50 और R2 500 F500 आपने इस्तेमाल किया और आपने दूसरी कोऑर्डिनेट डाल दी, तो मशीन क्या करेगा, सेम कैंट साइकिल को यहाँ पे भी कॉपी कर लेगा, सेम कैंट साइकिल को यहाँ पे भी कॉपी कर लेगा। तो आपको बार बार ये लाइन डालने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आप तीनों की हाइट ऊपर नीचे है तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पे आकर के जैसे कि आप यहाँ पे आकर के जैसे कि ये है, ये इसके आगे जो भी जगह से 25 है, यहाँ पे आप देख सकते हो 25 है, यहाँ पे मेरे को 26 करना है, यहाँ पे 24 करना है, तो आप सिर्फ जेड की वैल्यू डाल दो। ठीक है, 25 है 24.5 कर दो, 24 कर दो, तो डेप्थ अपने हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगी उसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या किया है, G80 का मतलब हमने कैन साइकिल को ऑफ कर दिया। अब मैं अगर एक्स वाई की कोई भी कोऑर्डिनेट डालूंगा ना, तो ऊपर की जो जो हमने कैन साइकिल ऑन किया है वो वर्क परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने G80 डाल दी है, वर्क कैन साइकिल को ऑफ कर दिया। कैंट साइकिल ऑफ हो गया, अब फेस से 50 mm टूल ऊपर आकर के रुक जाएगा, M09 यानी कूलेंट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमने वहीं से टूल को क्या करते हैं, रिफरेंस कर दिया G91 20 Z 0.0, यानी कि जहां पे भी टूल होगा वहां उस कंडीशन में जीरो मान लेगा अपने आप को, और वहीं से जो उसकी होम पोजिशन चला जाएगा। G91 इंक्रीमेंटल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंक्रीमेंटल क्या कहता है कि जिस पोजिशन में आपका टूल है और कोऑर्डिनेट है उसी कंडीशन को जीरो मान लेगा और वहीं से मतलब कि कैलकुलेट स्टार्ट कर देगा। ये G91 क्या होता है, इससे कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं इसकी भी वीडियो में आगे बनाऊंगा, लेकिन हम होमपिंग पोजीशन के लिए G91 इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं मैंने बताया, अगर G90 का इस्तेमाल करोगे तो क्या करेगा, वर्कपीस के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके मतलब अपने होम पोजिशन पर जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है, और अलार्म दे देगा। इसलिए हम क्या G91 क्या करता है, उस पोजीशन को जीरो मानता है और वहीं से अपने होम को रिटर्न हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अब कूलेंट ऑफ हो गया, ये रेफरेंस हो गया जेड। उसके बाद टूल नंबर दो में हमने M10 × 1.5 यानी कि M10 और × 1.5 का हमने पीछे लिया है उसकी, और टैप मतलब मशीनिंग टैप हम यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, और सेम है, सेम चीज रिपीट होगी, इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा RPM। यहाँ पे M29 इस्तेमाल करते हैं जब हम रिजिड टैपिंग स्टार्ट करते हैं। M29 बेसिकली जब मैंने एम कोड बताया था उसमें बता चुका हूँ कि M29 क्या होता है। M29 बेसिकली रिजिड टैपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिजिड टैपिंग को ऑन कर देता है। G84 क्या करेगा, ये एक तरीके से कैंट साइकिल का ही पार्ट है लेकिन टैपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करेगा, स्पिंडल को एक बार क्लॉकवाइज और जब मैक्सिमम यानी कि 20 mm तक चला जाएगा, उसके बाद ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि थ्रेड जिस डायरेक्शन में काटना है मेरे को उस डायरेक्शन में एक बार ऑन करेगा
जब मैक्सिमम हाइट डेप्थ तक पहुंच जाएगा उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वापस घूमने के लिए, तब देखो हमने क्या किया, एक बार थ्रेड कर दी, अब थ्रेड को टूल को बाहर निकालने के लिए, टैप को बाहर निकालने के लिए टूल को उल्टा घुमाना पड़ेगा, तो उसके लिए ये काम कौन करेगा, G84 और M29, इन दोनों को कॉम्बिनेशन होगा, अगर इन दोनों में से हम किसी को भी, अगर एक को भी मिस कर देंगे तो नहीं लेगा, मशीन नहीं चलेगी और कमांड एरर आ जाएगा। ओके, और हमने क्या किया है, फीड कैलकुलेशन का बहुत, फीड या आरपीएम कैलकुलेशन का बहुत ही इजी तरीका है। जैसे मान लो आपने 1000 RPM लिया है और तो उसकी फीड अगर हम ऐसे ऐसी कुछ नहीं रख लेंगे, जितने का मेरे का टैप है और टैप की जो पिच है, उस पिच को मेरे को आरपीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मेरी फीड कहलाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने कोई सा फीड ले लिया, कोई सा भी आरपीएम ले लिया। ठीक है, वीसी के अकॉर्डिंग हमें आरपीएम निकल के आता है, आरपीएम से हम फीड निकाल लेते हैं। वीसी क्या होती है, कटिंग स्पीड होती है बेसिकली, जो हमें टूल के मटेरियल यानी ग्रेड के हिसाब से मिलता है। ठीक है, क्या हम एल्युमिनियम पे परफॉर्म कर रहे हैं, स्टील पे परफॉर्म कर रहे हैं, और ठीक है, और कौन सा एडिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बाइड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम वीसी डिसाइड करते हैं और उस वीसी से हमें आरपीएम निकालना पड़ता है। वो कैसे निकालते हैं मैं आगे बताऊंगा, आप बस इतना समझ लो, जैसे कि मान लो मेरा टैप है M10 का, उसका मैंने आरपीएम 1000 रखा है, तो फीड कितनी होगी, हम ड्रिल में तो चलो ठीक है अंदाजे से रख लेते हैं, लेकिन इसमें हमें एग्जैक्ट रखना पड़ता है। जैसे कि हमने आरपीएम 1000 रखा है तो उसकी फीड कितनी होगी, 1000 × 1.5 यानी कि 1500 फीड निकल के आ जाएगी, चल जो भी होगा पिच से मल्टीप्लाई करना है, फीड ऑफ निकल के आ जाएगी। इसमें भी सेम है, G84 जैसे मैंने बताया कैंट साइकिल को ऑन कर देगा और टैपिंग साइकिल को ऑन करेगा, और कैसे करेगा ये भी बता दिया, आर 2 mm ऊपर तक आकर के रुकेगा, फिर वहां से 20 mm तक, मतलब 20 mm प्लस 2 mm टोटल 22 mm तक वहां पे फीड में, यानी कि 1500 के फीड में जाएगा। सेम चीज कॉपी हो जाएगी यहाँ पे इस वाले कोऑर्डिनेट पे, और उसके बाद सेम चीज सेम कैंट साइकिल यहाँ पे भी रन हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस चला जाए XYZ, तीनों को तीनों रेफरेंस जाएगा। जैसे मैंने देख लो यहाँ पे मैंने G80 नहीं लगाया, G80 लगाना भूल गया, तो इसीलिए ये सेफ्टी कोडों का इस्तेमाल किया जाता है। देख लो G80 मैंने स्टार्टिंग में लगा दिया ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं G80 नहीं लगाया, G80 लगाना भूल गया, तो क्या करेगा, जब भी प्रोग्राम रिवाइंड होगा तो उसको पढ़ करके कैंट साइकिल ऑफ कर देगा, ताकि कोई भी मतलब गलती से भी कोई गलती ना हो। चलो यहाँ पे हम G80 लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम रेडी। ओके, अब हम मशीन को क्या करते हैं, रन करवाते हैं सिंगल ब्लॉक में। ये हमने क्या किया, ये ऑटो साइकिल स्टार्ट किया यहाँ पे सिंगल ब्लॉक, थोड़ा स्पीड कम कर देते हैं, रैपिड भी कम कर देते हैं, स्पिंडल का आरपीएम भी थोड़ा कम कर देते हैं, 100 पे ले आते हैं, 25% में मूव करवा करके हम देखते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। टूल नंबर एक, अब टूल नंबर एक कॉल होगा, देख सकते हो आप टूल नंबर एक कॉल हो रहा है, स्पिंडल में लग रहा है। ये सिम्युलेटर है एक तरीके से, तो सिम्युलेटर में आपको एक तरीके से मॉडल है उसका, जो हम समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, अभी टूल चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कूलेंट ऑन होगा, लेकिन कूलेंट कुछ इसमें माल फंक्शनिंग चल रहा है, इसकी वजह से कूलेंट शो नहीं हो रहा है। ओके, अब ये क्या हुआ, जैसे G54 हमने क्या किया, इस वाले कॉर्नर को जीरो माना था, यानी मशीन में जो वैल्यू आई थी, आप देख सकते हो, कॉल कर लेते हैं, ये मशीनिंग वैल्यू हमने ये यहाँ पे ला करके टूल को वर्क ऑफसेट में जीरो करवाया था, यानी कि जो वैल्यू मशीन में आई थी हमने क्या किया था, यहाँ फीड कर दिया था, तो और यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो जीरो हो गया, किसके अकॉर्डिंग, मशीन के अकॉर्डिंग, यानी पीस वर्क पीस के अकॉर्डिंग मशीन 0.0 मतलब 0.0 हो गया। अब ये P1 किसके लिए इस्तेमाल करता है, G1 के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि G1 एक तरीके से एड्रेस है इसका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी इसको हमने जीरो माना है वही से इसको रेफरेंस लेगा, और इसको रेफरेंस लेकर के उसके आगे प्लस माइनस में काम करेगा। अगर मान लो यहाँ पे एक्स प्लस में 1.1 कर दूंगा, तो यहाँ से जितना मैं प्लस करूंगा उतना इसमें ऐड होता जाएगा, माइनस करूंगा उतना इसमें माइनस होता जाएगा, यानी कि ये इसको वर्क पीस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो ये अपने ओरिजिन पे आ गया, मतलब 0.0 पे आ गया, आरपीएम स्टार्ट हो गया था, पहले ही 2000 ले लिया, उसके बाद F1 यानी कि हाइट ऑफसेट 1 नंबर में होने से टूल की जो लेंथ डाल रखी है
उसके हिसाब से टूल ने अपना लेंथ एडजस्ट कर लिया और इस वर्क पीस के 25 mm ऊपर तक आ करके ये टूल रूम की आप देख सकते हैं, यानी इस वर्क पीस के 25 mm ऊपर तक टूल आकर के रुक गया। ओके, और G43 इस्तेमाल करते हैं हम टूल लेंथ कंपनसेशन के लिए। अगर ये नहीं डालेंगे तो ये जो टूल लेंथ हमने जो एच में की जो वैल्यू डाली हुई है, ये देख सकते हो यहाँ पे जो हमने वैल्यू रीड कराई हुई है, ऑफसेट लिया हुआ है, कैसे लिया हुआ है वो आप पहले एक वीडियो आप देखोगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जब तक ये नहीं डालोगे इसकी वैल्यू को रीड नहीं करेगा। ठीक है, अब ये रीड कर लेगा डेट क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ये टूल ऊपर आकर के रुक जाएगा। अब नेक्स्ट ब्लॉक है, कैंट साइकिल ऑन होगा 25 mm, यानी कि यहाँ से 25 mm, मैं स्पीड कम कर लेता हूँ तो आपको धीरे धीरे बढ़ा करके दिखाऊंगा। अब 25 mm जाएगा नीचे, थोड़ा सा बढ़ाते हैं फिर। इसने क्या किया, इस टूल ने क्या किया, अपना काम कर दिया यहाँ पे 25 mm, इसको यहाँ पे होल कर दिया है। अब नेक्स्ट जो पोजीशन है इसका चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने 25 mm का मतलब 25 mm तक की डेप्थ की होल कर दी है, 6 mm का 8.6 का एक तरीके से प्री ड्रिल है इसका, M10 की टैपिंग का। नेक्स्ट होल कहाँ जाएगा आप देख सकते हो, यहाँ पे आना चाहिए, फिर यहाँ पे आना चाहिए। तो जैसे मैं साइकिल स्टार्ट का बटन दबाऊंगा ये टूल यहाँ पे आकर के ड्रिलिंग कर देगा। अगर आप मशीन में अगर सेटिंग करना चाहते हो तो फीड को कम कर सकते हो, फीड को कम करने के बाद आप धीरे धीरे अपने हिसाब से फीड को एडजस्ट कर सकते हो। एक तरीके से सिमुलेटर है, इसमें मैं साइकिल जैसे स्टार्ट दबाऊंगा ये ब्लॉक रीड करेगा, ब्लॉक रीड करते ही अपना साइकिल ऑपरेशन खत्म कर देगा, इसे ऑपरेशन इसने खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड होल में जाएगा, थर्ड होल में गया, यहाँ पे भी इसने मशीनिंग कर दी। अब जेड वहां से 50 mm ऊपर आकर के रुक गया, अब यहाँ से कूलेंट ऑफ हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, वो जेड ऊपर यानी कि 0.0 पे चला गया, उसको 0 रेफरेंस मान करके, यानी जेड को हमने यहाँ पर रेफरेंस कर दिया। और M6 यानी टूल चेंज के लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं और 2 नंबर टूल यहाँ पे कॉल हो गया, देख सकते हो हो रहा है। ये 2 नंबर टूल यहाँ पे स्पिंडल में लग रहा है और ये लग चुका है। ओके, अब उसके बाद सेम वही पोजीशन पे आएगा जहां से हमने स्टार्ट किया था, ये पढ़ते ही अपने उसी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। अब उसके बाद 50 mm ऊपर तक आकर के रुका, हमने इसे 50 mm डाला है। यहाँ पे आप जो आपको सेफ्टी के हिसाब से आप जो भी डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है, ताकि टूल टकराए ना और मूवमेंट भी इजिली कर सके, उसके हिसाब से आप जेड की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 जो कि M29 में इसका जो स्पिंडल है ऑन हो गया है और कूलेंट यहाँ पे ऑन हो गया है। G84 यानी कि टैपिंग साइकिल स्टार्ट हो गया, यहाँ पे टैपिंग कर दिया इसने। ओके, नेक्स्ट होल में भी टैपिंग कर दिया है और ये लास्ट वाले होल में भी टैपिंग खत्म हो गया। ओके, इसमें थ्रेड दिखेगा नहीं क्योंकि एक सिमुलेटर है। ओके, आपको मशीन में करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, दिख जाएगा। अगर जैसे कि आपने वर्क पीस को ढंग से सेट किया है, कॉलिजन सही से माना है, अपने फीड RPM जो है सही से फीड किया है और तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो पीस बनेगा सही बनेगा। ओके, अब यहाँ से तीनों के तीनों एक्सिस रेफरेंस हो जाएंगे XYZ और उसके बाद क्या होगा, G80 यानी कैंट साइकिल ऑफ हो जाएगा, कूलेंट ऑफ हो जाएगा जो हमने ऑन किया हुआ था, M05 स्पिंडल ऑफ हो जाएगा, M30 से प्रोग्राम को रिवाइंड कर दिया हमने। ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ा है इसमें टैपिंग साइकिल कैसे करते हैं। नेक्स्ट साइकिल, नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो तुम्हें बताऊंगा कि किस तरीके से कितने टाइप के टैप होते हैं इंडस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।